स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम। और आज बाजार में हमने शुरुआती ओपनिंग अच्छी देखी, लेकिन ऊपरी स्तर से बाजार में आ रहा है प्रेशर। दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि अब ये हम कह सकते हैं कि चौथे दिन कमजोरी है, 17,600 के आसपास है, लेकिन निफ्टी बैंक से आज थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। 70 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। हालांकि पिछले तीन दिन की तरह आज भी ब्रॉडर मार्केट संकेत कमजोर नहीं है। आज भी ज्यादातर जो शेयर है वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन भरपूर है, और स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत सारे शेयर हैं जहां पर बड़ी तेजी के साथ आज भी कारोबार हो रहा है। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो लूजर्स में जहां से प्रेशर आ रहा है, डिवीज लैब हमने इसमें तेजी बनते हुए देखी पिछले दिनों में, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इसको आप बिकवाली बिल्कुल मत मानिएगा, यह सिर्फ मुनाफा वसूली है, क्योंकि लगातार 5-6 सत्र में यह शेयर 10% के आसपास चला था और आज प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ऑटो में हम देख रहे हैं कि आयशर आज कमजोर है, और फार्मा और हॉस्पिटल को क्लब कर दें तो अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, ये कुछ शेयर ऐसे हैं जो कमजोर हैं। नेस्ले में हमने अच्छी तेजी देखी थी, वहां भी कमजोरी आ रही है, लेकिन रिलायंस आज भी आज कमजोर है, करीब करीब 0.5% के आसपास यहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं। जहां से सपोर्ट मिल रहा है, टाटा मोटर्स के JLR को लेकर काफी अग्रेसिव प्लान्स हैं, अगले 5 साल में EV पर काफी ज्यादा निवेश करने वाली है कंपनी। इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 1% की तेजी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है अडानी पोर्ट्स, NTPC भी आज खरीदारी हमें देखने को मिल रही है शेयर में, और टाइटन के शेयर में भी 1% के आसपास की बढ़िया वाली तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि आज वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी पर हम देखते हैं कि बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो आपकी रेंज क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, किस तरह से आप बाजार को ट्रेड करें, ये भी जानेंगे, और आपके जो शेयरों से जुड़े जो भी सवाल हैं उनको भी शो में शामिल करेंगे। सवाल पूछने तरीका आपको फटाफट बता देते हैं, 9167329108 पर फोन कीजिए, SMS कीजिए, या फिर WhatsApp के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और सोशल मीडिया पर भी है 18900देश मौजूद, उसका पता आपके स्क्रीन पर @18900देश हमारे तीनों ही प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। अविनाश जी और रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18900देश पर। रत्नेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है और हम देखते हैं कि अमूमन काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है एक्सपायरी वाला जो सेशन होता है। कल हमने देखा कि 17,600 से 700 वाले जो रेंज थी रत्नेश, बाजार ने उसको होल्ड किया, क्योंकि जो आंकड़े थे वो 17,600 के नीचे नहीं जाने दे रहे थे और 17,700 के ऊपर भी नहीं जाने दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन तस्वीर थोड़ी सी बदलेगी, आज की रेंज क्या होगी, और आप सलाह क्या देंगे, नीचे अगर थोड़ा बाजार जाए तो बाइंग करनी है या ऊपर जाए तो शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। डेफिनेटली बाजार जो रहेगा थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है ऊपर के साइड में, अगर स्पेशली हम निफ्टी की बात करें तो अगर आप निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रेक करने आ गया है, कल के भी लो को तोड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 17,600 के नीचे, निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो निफ्टी फ्यूचर अगर 17,600 के नीचे जाती है तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 17,550 और 17,520 ये लेवल तक हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के सत्र के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दबाव हमको निफ्टी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी फ्यूचर अभी भी थोड़ा सा मजबूती बनाए हुए है, 42,100 का लेवल जो मुझे ऐसा लगता है काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जब तक वो नहीं तोड़ेगा उसमें कमजोरी नहीं देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में अभी भी कंटिन्यू हमको तेजी या बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे कायम रहना चाहिए। तो ओवरऑल निफ्टी पे थोड़ा सा अपना व्यू थोड़ा सा दबाव वाला रहेगा, और बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मजबूती हमको देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी इस वक्त ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, वहां पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रहा है। इस वक्त देखिए बाजार दिन के निचले स्तर पर आ चुका है, निफ्टी के 50 में से 30 शेयर जो ऐसे हैं वो बिकवाली में कारोबार कर रहे हैं, हरे निशान में यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। तो दिन के निचले स्तर पर आ चुका है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी हरे निशान में ही है, उसके ऊपर हरे निशान में टिके रहने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, पुणे से किरण जी ने कॉल किया है हमें। किरण जी नमस्कार, किस स्टॉक पे सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मैंने कैमलिन फाइन दिया था 109 रुपए पे। जी नमस्कार। ओके ठीक है, तो अभी तो आपको अच्छा मुनाफा हो रहा होगा इस स्टॉक में, अभी समय दे सकते हैं आप?
हाँ दे सकता ठीक है कैमलिन 5 साल ओके, तक कैमलिन फाइन साइंसेस ओके ओके ठीक है अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म आपने समय भी दिया है इस स्टॉक को उसका क्लियरली फायदा भी हुआ है काफी अच्छे लेवल पर एंट्री की और केमिकल शेयरों में हमने देखा कि शानदार तेजी दिखी थी अगर कैमलिन फाइन की बात करें स्पेसिफिकली तो एक महीने में ही स्टॉक में करीब करीब 30% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है अभी आज हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में जरूर देख रहे हैं एक बार अविनाश जी से समझ लेते हैं अविनाश जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इतना उस प्रदेश को तो ये जो पहले दर्शक का सवाल हमें आया है कैमलिन फाइन पर अभी मुनाफा हो रहा है अच्छे मुनाफे पर है ये और स्टॉक चला भी काफी है बट लॉन्ग टर्म निवेशक है 5 साल दे सकते हैं स्टॉक को और क्या लग रहा है आपको ये कंपनी कैसी लग रही है 5 साल के लिहाज से इसे रखना चाहिए या फिर कोई और कंपनी दूसरी कंपनी आप सजेस्ट करेंगे इनको गुड मॉर्निंग पूजा देखिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे कैमलिन फाइन साइंसेस का शेयर खरीदा है कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है और बहुत समय के बाद इन्हों परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुका है कंपनी में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका डोमेस्टिक फोकस है प्लस एक्सपोर्ट फोकस है आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा तो मेरे ख्याल से ये निवेशित रहना चाहिए क्योंकि अर्निंग ग्रोथ हमको लग रहा है कि आने वाले साल दैट इज FY24 के लिए भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी ओवरऑल मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे होल्ड करें मुझे लग रहा है कि अगर ये 6 to 12 months होल्ड करते हैं तो यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है तो होल्ड करने की राय रहेगी इन फाइन साइंसेस को होल्ड करने की सलाह है आगे बढ़ेंगे इंस्टाग्राम से सवाल लेंगे दीपक का और ये सवाल आया है पुणे से इनके पास है मणप्पुरम फाइनेंस के 300 शेयर 125 रुपए के भाव पर अविनाश जी आपसे ही इसका जवाब चाहेंगे जब से हमने देखा है कि सोने की कीमतों में तेजी बढ़ी है तब से मणप्पुरम फाइनेंस में भी लगातार तेजी है और अगर हम मार्च और अप्रैल की बात करें तो बढ़िया रफ्तार दिखाई है शेयर ने अपने 52 वीक हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है क्या आपको लगता है कि ये तेजी अभी कायम रहेगी मोमेंटम ये बरकरार रहेगा क्योंकि हम गोल्ड में देख रहे हैं कि वो चमक अभी भी है कुछ ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है नहीं बिल्कुल देखिए अभिषेक मुझे लग रहा है कि गोल्ड फाइनेंस में एक मार्केट इंप्रूव हो चुका है और अभी पोस्ट कोविड नॉर्मल सी स्पेशली Tier 2, Tier 3 मार्केट्स में आई है और रूरल इंडिया से सबसे ज़्यादा गोल्ड फाइनेंसिंग की डिमांड आती है हालांकि सभी को पता है कि गोल्ड फाइनेंस में नॉर्मली जो लोन्स होते हैं वो 3 या 6 महीने के होते हैं तो कैपिटल बहुत जल्दी चर्न होता है तो यहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ पे एसेट क्वालिटी का कोई डर होता नहीं क्योंकि जो एसेट बैंक लेती है बोरोअर से वो बेसिकली सोना होता है और सोने में कोई डेप्रिसिएशन या एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम आता नहीं है तो मेरे ख्याल से नजरिया 6 to 12 months का डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है मुझे लग रहा है कि मणप्पुरम और एंटायर गोल्ड फाइनेंसिंग का जो मार्केट है उसमें अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे करीबन 160-170 का फर्स्ट नियर टर्म का टारगेट लग रहा है तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टर को होल्ड करने की राय दूंगा यहाँ पे मुनाफा वसूल मत करिए थोड़ा सा इंतजार करिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा ओके तो थोड़ा इंतजार करना होगा आपको मणप्पुरम फाइनेंस में अभी फिलहाल मुनाफा हो रहा है आपको जरूर लेकिन और थोड़ा वेट करिए स्टॉक में और अच्छी तेजी के लिए आप अभी भी बने रह सकते हैं चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं प्रकाश प्रकाश जी नमस्कार किन स्टॉक्स पर सवाल है आपका मेरा सवाल जो है ना वो सीजी कंज्यूमर पे है 100 शेयर है मेरे पास सीजी कंज्यूमर के 330 पे ओके ठीक है और भी कोई स्टॉक है आपके पास प्रकाश जी मेरे पास जो है ना एक वो IDBI है वो 60 रुपए पे है 200 शेयर ठीक है ओके तो दोनों स्टॉक में आपको नुकसान हो रहा है एक्चुअली आपकी खरीद भी थोड़ी ऊपरी लेवल पर है इस वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आपको चलिए पहले IDBI पर राय दिलवा देते हैं इन्होंने 61 के भाव पर लिया हुआ है और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक खबरों में भी है विनिवेशी खबरों के चलते भी ये स्टॉक लगातार फोकस में है आज भी 0.5% ऊपर है खरीद के पास ही है ये स्टॉक इस वक्त बट यहाँ पर रजनीश जी आपसे राय लेना चाहेंगे IDBI अगर टेक्निकली देखें तो कैसा लग रहा है चार्ट्स पर 60 के पास या इनके लेवल कब तक देखने को मिल सकते हैं IDBI बैंक में क्योंकि अभी 52 के पास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक तो तेजी के लिए भी बने रह सकते हैं स्टॉक में
आईडीबीआई का वीकली डेली चार्ट देखे तो कंटिन्यू इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अभी 3-4 दिन सत्रह पहले हमको इसमें एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली थी, हालांकि विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट के न्यूज के कारण थोड़ा सा ये अभी मोमेंटम में आया है, तो अभी मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। ये स्टॉप लॉस इनको लगाने की सलाह दूंगा मैं 48 रुपए की। एक बार कहीं पे भी ये 55 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा अगर इनके और थोड़ी सी अगर राशि है जो अगर ये निवेश कर सकते हैं तो वहां पे एवरेज करें, ऊपर में फिर इनको टारगेट 62-63 रुपए तक का देखने मिलेगा, तो वहां पे इनको फिर एग्जिट मिल जाएगी। तो ये है राय आईडीबीआई बैंक पर। इसके अलावा दूसरा स्टॉक था इनके पास क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, ये इन्होंने 330 पर लिया हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने जो खरीदारी की है वो थोड़ी ऊपरी लेवल पर की है और नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी भी इन्होंने ले रखी है, तो 11,000 के आसपास का नुकसान भी इनको झेलना पड़ रहा है। अविनाश जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? लगातार हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, यहाँ पर एक तेजी के लिए रुक सकते हैं या फिर कोई दूसरी कंपनी आप इनको सजेस्ट करेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट में क्रॉम्पटन कंज्यूमर गुड्स का जो स्टॉक है वो काफ़ी वेल यू नो डाइवर्सिफाइड है। इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली स्टॉक में ज़रूर हो रहा है, लेकिन अगले साल की अगर हम बात करें तो FY24 में होपफुली अगर मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड से इनको काफ़ी मदद मिलेगी। इनफैक्ट काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने लॉन्च किए हैं तो इसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नज़रिया 12-15 महीने का रख के यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक दिखाए, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक इन्वेस्टर होल्ड करता है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ से भी हो सकती है। सीजी कंज्यूमर को आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से शुभम हमारे साथ हैं। शुभम नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? नमस्ते सर जी, गुड मॉर्निंग जी, पूछे अपना सवाल। जी सर, मेरे पास पॉलीकैप के 5 शेयर है 3108 पे। 3000 3000 95 3108 रुपए पर शेयर इनके पास है पॉलीकैप। मुझे जानना कि क्या इसमें बोनस मिल सकता है आगे चल के? अच्छा, बोनस मिल सकता है, ठीक है, वो तो प्योरली मैं इस कंपनी को 10-15 साल दे सकता हूँ। ठीक है, 10-15 साल देंगे तो उम्मीद तो करते हैं कि बोनस बिल्कुल मिलेगा आपको। बोनस क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर इतना आप दे सकते हैं तो। वैसे बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है केबल एंड वायर सेगमेंट में, और हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल का रिटर्न तो पिछले एक महीने में शेयर ने दे दिया है, और अब ये 3150 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा शेयर। ये नतीजे इसके अच्छे आए थे पिछले क्वार्टर के भी। अविनाश जी, आपको लगता है कि पोली कैब, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि 3200 रुपये का लेवल तो आएगा, वो लेवल अब दूर है भी नहीं, 3150 रुपये के आसपास तो शेयर पहुंच ही गया है, 10-15 साल ये होल्ड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर सच में थोड़ा सा दूर की बात है लेकिन ये 10 साल होल्ड करें तो क्या 10,000 वाले लेवल आ सकते हैं क्या इसमें? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली एक कमोडिटी बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कैसे ट्रेंड दिखा रहे हैं, कैसे कॉपर का प्राइस चल रहा है या कैसे यू नो दूसरे इनपुट्स के प्राइसेस चल रहे हैं। तो 10 साल का व्यू लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगले 2-3 साल की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया ग्रोथ पॉलीकैप दिखाने का पोटेंशियल रखता है। पहले तो इनका प्रोडक्ट बेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, इनके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी सेगमेंट है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी का नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको इस लेवल से भी मिल सकता है, तो यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए। थोड़ा सा यू नो लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्रोथ ट्रिगर्स इकोनॉमी में दिख रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक तभी अच्छा कर रहा है जब GDP ग्रोथ, जब IIP ग्रोथ और कॉर्पोरेट कैपेक्स यू नो इंडस्ट्री में ज्यादा होता है, तो ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगले 1.5-2 साल का आउटलुक काफी पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। बिल्कुल होल्ड करने की राय, लॉन्ग टर्म निवेशक है तो बने रह सकते हैं और मुनाफा यहाँ पर आपको मिल सकता है, तो इन स्तरों पर होल्ड करिए। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं, ये हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। हरे कृष्णा, नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मॉर्निंग मैडम, ग्लोबल सर्विस 100 से रहे, 140 है रेट ऑफ 140। अच्छा, और ये आईपीओ के समय अलॉट हुआ था आपको 140 पे। ऑलराइट, ठीक है आपको ओके, चलिए कांग्रेचुलेशंस आपको, आपको लिस्टिंग का फायदा भी मिला है इस आईपीओ में क्योंकि
प्रीमियम पे लिस्ट हुई थी कंपनी 160 के आसपास, और उसका भी फायदा मिला, और अभी भी देखिए आपको फायदा ही हो रहा है। ग्लोबल सर्विस इस वक्त 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। आशीष जी, आप ही से राय लेंगे क्योंकि ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है अभी, और इसका फायदा इनको मिल रहा है, तो और तेजी के लिए अभी ये होल्ड करें? देखिए, अगर आपका नजरिया आप कम से कम 12-15 महीना है, क्योंकि ये नईली लिस्टेड कंपनी है, अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद यू नो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, बट जिस प्रकार का ये बिजनेस में काम करते हैं, मेरे ख्याल से इनका मार्केट लीडरशिप है, काफ़ी डोमिनेंट मार्केट शेयर है, और कहीं ना कहीं मार्केट ये अनुमान लेके चल रही है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स, फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार करिए, और मेरे ख्याल से तब तक तो होल्ड करना चाहिए। नंबर्स मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे आएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होल्ड करें। सर्विसेज को होल्ड करने की सलाह है। दिल्ली से विक्रम हमारे साथ हैं। विक्रम नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? विक्रम, आपको आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम है सर विक्रम खन्ना, और मेरे पास सर डाटा पैटर्न के 6000 शेयर है, जो पिछले मंथ मैंने सर लिए है अगस्त में 680 के प्राइस में। क्या बात है, 900 रुपए प्रति शेयर का आपको मुनाफा हो रहा है। विक्रम, पहले तो बहुत बधाई, किसकी सलाह पे आपने शेयर लिए थे ये? ये सर है कि हमारे जानकार है जो उस कंपनी में काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, तो इसी के शेयर लीजिए। हाँ, ग्रो तो कर गई, और देखिए ये रिटर्न्स कमाल के हैं आपके, डबल से भी ज़्यादा आपके पैसे तो हो गए, और डेटा पैटर्न्स में हमने देखा कि हाल फिलहाल अच्छी तेज़ी बनी है। अगर पिछले साल भी किसी ने पैसे लगाए होंगे, उनके पैसे डबल तो निश्चित तौर पर हो गए होंगे डेटा पैटर्न्स में। नतीजे बहुत शानदार आए थे पिछले क्वार्टर के, मुनाफे में तकरीबन 3 गुने के आसपास का उछाल था। अविनाश जी, डेटा पैटर्न्स थोड़ी शुरुआती जब लिस्ट हुई उसके बाद थोड़ी हल्के फुल्के में सुस्ती देखी, लेकिन उसके बाद क्या रफ्तार पकड़ी है, आपको लगता है कि अभी होल्ड करके रखें तो और फायदा होगा, या फिर चूंकि अब इनके पैसे डबल से ज्यादा हो गए हैं तो बेहतर होगा कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें और कोई बेहतर स्टॉक अब खोजें बाजार में? मुझे लग रहा है कि कंपनी ने हाल ही में कुछ हजार रुपए में प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, तो ऑब्वियसली इनको यू नो इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि काफी बड़े सीजनड HNI इन्वेस्टर्स इसमें अभी ऑलरेडी उतर गए हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और नंबर्स आने वाले यू नो साल के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है, मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ही निचले लेवल पे स्टॉक खरीदा है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है, तो थोड़ा सा पोजिशन ये हल्का कर सकते हैं, अपनी कैपिटल कॉस्ट निकाल के बाकी सारे शेयर्स वो फ्री कर सकते हैं, बट डेफिनेटली बैलेंस क्वान्टिटी होल्ड करें, क्योंकि आने वाले 1.5-2 साल में कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया लग रही है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। सलाह है डेटा पैटर्न्स को। अब देखिए, हमारी टिकट टीम लगातार हाइलाइट्स कर रही है वो स्टॉक्स जहां पर आज बहुत ज़्यादा एक्शन है, और होटल स्टॉक्स में हम काफ़ी रौनक देख रहे हैं, होटल लीला या फिर ताज जीवी के, कामत होटल्स, EIH, ये तमाम होटल स्टॉक्स आज काफ़ी बस कर रहे हैं, और आगे गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो क्या अभी भी होटल स्टॉक्स में मौके हैं, क्या आपको खरीदने चाहिए, अगर हाँ तो कौन सा शेयर हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर है, ये जानेंगे। और अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं GM टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर में एग्री फूड की प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, और साथ ही जो सप्लाई की दिक्कतें हैं, ऐसे में क्या GM टेक्नोलॉजी की क्यों है मांग, क्योंकि GM टेक्नोलॉजी से कीट अटैक, रोग, खरपतवार से जो फसलों को नुकसान होता है उससे बचाने में ये टेक्नोलॉजी मदद करती है, क्योंकि इसके DNA में बदलाव करके ये मॉडिफाई करके ये बनाया जाता है। भारत में कीट अटैक और रोग खरपतवारों से जो नुकसान होता है फसलों को 30-35% तक हर साल नुकसान होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि बाढ़, तूफान और ये जितने भी कोल्ड हीट वेव, इनसे जो नुकसान होने का जो हेक्टेयर है वो 2020-21 के दौरान एक बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पर इसका नुकसान हुआ था। आप देख सकते हैं कि 339 लाख हेक्टेयर की फसलें 2015-2021 के दौरान बर्बाद हो गई थी, क्योंकि वो उतना सहन नहीं कर पाते, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे बहुत ज़्यादा बारिश या जितनी भी जलमग्नता वगैरह की स्थिति है। तो GM टेक्नोलॉजी के फायदे ये हैं कि अगर उस
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो आपको फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल करना पड़ता है, जितने भी प्राकृतिक जितने भी आपदाएं होती हैं उनसे भी आप इसको बचा सकते हैं अपनी फसलों को, और उत्पादकता भी अगर आप तुलना करें ग्लोबल लेवल तक आप लेके जा सकते हैं। हम ग्लोबल जो उत्पादकता का यील्ड का जो एवरेज है उससे आधे से भी कम उत्पादन भारत में फसलों का होता है, तो ऐसे में अगर उस टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे NGOs वगैरह का कहना है कि इससे सेहत को काफ़ी नुकसान होता है। अगर सेहत को नुकसान हो रहा होगा तो कितने सारे ट्रैवलर हैं, चाहे हम इंपोर्ट में अगर देखें, चाहे वो कनाडा से या फिर US से या फिर ब्राज़ील से आने वाले जितने भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं सब GM टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट है, और वो हमारे स्टोर्स में मिलते हैं। हम इंपोर्ट करने के बाद उसकी ब्लेंडिंग भी करते हैं बहुत सारे खाने के तेल में, चाहे वो सोया तेल हो, कैनोला तेल हो, उसकी ब्लेंडिंग करके फिर हम उसकी जो PDS सिस्टम से उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, और साथ ही इसको हर स्टोर और मार्केट में बेचते भी है। उसके बाद भी अब तक उस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अलग अलग विरोधाभास है इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से डिमांड है फूड प्रोडक्ट्स की, ऐसे में समय आ गया है कि इस टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ाया जाए और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश में भी बढ़ाया जाए। ओके, ठीक है। तो GM टेक्नोलॉजी पर ये एक इंटरेस्टिंग रिसर्च विश्व मोहन की तरफ से। तो अब वापस आते हैं इक्विटी मार्केट की तरफ और आपके सवालों को शामिल करते हैं। तरीका आपको बताया ही है और दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और इस बीच सोशल मीडिया हैंडल पर हमें काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं। फेसबुक पर सवाल आया है नागपुर से विजय जी का। इनका सवाल है डालमिया भारत पर इन्होंने 200 शेयर्स लिए हुए हैं और इनकी जो खरीद है ये 2430 पर है। इस वक्त ये स्टॉक 1995 पर कारोबार कर रहा है और हम देख रहे हैं कि वैसे तो ये स्टॉक काफ़ी चला है हाल फिलहाल में, बट इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है वो काफ़ी पहले की है, काफ़ी पुरानी खरीद लग रही है जिसकी वजह से स्टॉक में इनको नुकसान भी हो रहा है। पर हम लेवल्स वापस से चेक करेंगे ये 2430 के लेवल्स कब इन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी, क्योंकि फेसबुक क्वेरी है तो इनसे संपर्क तो नहीं हो पाया। बट रत्नेश जी आप सजेस्ट करिए, डालमिया भारत आज तो टूटा हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है स्टॉक में, बट इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 2000 से भी ऊपर की है। क्या लग रहा है आपको, एक रिकवरी के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि नुकसान तो काफ़ी हो रहा है, 80,000 से ज़्यादा का नुकसान इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है, क्या करें डालमिया भारत में? जो इनके खरीदी भाव बताया है 2430 आई थिंक वो 2021 के आसपास की खरीदी भाव है, तो इनको काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको स्टॉक को अभी भी होल्ड रखना चाहिए। चार्ट पे काफ़ी अच्छा क्लासिकल राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, डेली वीकली दोनों चार्ट पे इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मैं इनको सलाह दूंगा अगर इनके पास थोड़ा सा निवेश के लिए और क्षमता है थोड़ी सी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनको एवरेज करना चाहिए 1900 रुपये के आसपास में स्टॉप लॉस लगाए 1750 रुपये का। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में थोड़ा सा अगर ये लंबा होल्ड कर सकते हैं तो 2300 रुपये तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे इनको प्रॉफिट एग्जिट करते हैं। की सलाह है डालमिया भारत को 2300 रुपये तक के लक्ष्य इसमें आ सकते हैं। पंजाब से संदीप हमारे साथ हैं। संदीप नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरे पास 250 शेयर है सर, निपोन लाइफ के 282 की बाइंग है सर, और LIC है सर 628, 150 शेयर है सर। निपोन का आपने क्या भाव बताए? 282 सर। 282 282 पर निपॉन लाइफ है, ठीक है। MCA स्टॉक्स में लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि अब ये जो शेयर हैं ये रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी इनके भाव से काफ़ी दूर हैं। लेकिन पहले LIC की चर्चा कर लेते हैं, चूँकि LIC भी इनके पास हैं, 628 रुपये के भाव पर LIC है, और LIC के प्राइसेस हमने देखे कि 700-750 रुपये के आसपास तक गए थे, लेकिन फिर से वहाँ से भाव ये रिवर्स हो गया, 550 रुपये के आसपास है LIC। बहुत सारी उम्मीदें हैं अविनाश जी, हालांकि शेयर में हम बहुत बड़ा रिएक्शन देख नहीं रहे हैं, लेकिन एक तो IPO वाले हैं वो तो भूल जाए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो लंबे समय के बाद आएगा, 904 वाला भाव, 890 वाला भाव जो है, लेकिन जिन्होंने लिया है 600 रुपये, 650 पर, 700 रुपये पर, वो क्या करें? अभी संदीप के पास है 628 के भाव पर और इनके भाव से भी नीचे है, क्या इनके भाव आ पाएंगे समय देंगे तो? देखिए
मुझे लग रहा है कि LIC का जो मेरे ख्याल से फ्यूचर का जो ग्रोथ मैप है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन हमने देखा है कि देखिए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कोई ऐसा कंसर्टेड एफर्ट नहीं हो रहा है कि जिससे स्टॉक में यू नो थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान कंपनी में आए। नंबर्स तो मुझे लग रहा है कि मार्च क्वार्टर के काफ़ी अच्छे आएंगे। इनफैक्ट बड़ा ट्रिगर LIC के लिए होगा कि कितना डिविडेंड ये डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि पिछले बार भी डिविडेंड कोई खास इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से होपफुली अगर डिविडेंड अच्छा आता है तो इसमें एक शॉर्ट टर्म स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंश्योरेंस मार्केट पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छे तरह से इम्प्रूव हो चुका है। LIC कम से कम 60-65% मार्केट शेयर एंजॉय करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डाउन साइड मोरऑल इज फुल्ली प्रोटेक्टेड है। और अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, डिविडेंड अच्छा आता है, तो आपको एक छोटा सा उछाल जरूर देखने को मिलेगा। लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि इस शेयर को कम से कम 1.5-2 साल ही अगर आप होल्ड करेंगे तो ही पैसा बनेगा, क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग शेयर है और मुश्किल से 2% ही फ्लोटिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे अभी भी कोई बड़े निवेशक या कोई बड़े FIIs एंटर नहीं कर चुके, तो ये भी एक दूसरा रीजन है कि स्टॉक थोड़ा सा यू नो स्लो चाल दिखाता है। बट यहाँ से मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय। और जब धीमी गति से कोई चीज़ चलती है तो ज़्यादा चलने के लिए आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। वही सेम फॉर्मूला आप LIC के शेयर में भी काम करेगा। आप 1.5-2 साल देंगे या फिर कुछ बड़ी खबर आती है, कुछ बड़े ब्लॉक्स चेंज होते हैं, तब जाके शायद इसमें रफ्तार भरें, अदरवाइज यही दशा इसकी रहेगी। लेकिन AMC स्टॉक्स, जरा अविनाश जी इस पर भी जरा अपना राय शेयर कीजिए। हम देख रहे हैं कि अगर 2023 की भी बात कर लें, थोड़ी सी रिकवरी कोशिश हुई थी 2022 के आखिरी कुछ महीनों में, लेकिन 2023 फिर से एक फ्लॉप शो है अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करें तो चाहे वो HDFC AMC हो, चाहे निपॉन लाइफ हो, ये कमज़ोर हैं। थोड़ी सी रिकवरी कोशिश लोअर लेवल से हो रही है, क्या आपको लगता है कि बॉटमिंग आउट हो गई है इन स्टॉक्स में और अब एक तेज़ी की शुरुआत हो जाएगी? देखिए मुझे लग रहा है कि AMC कंपनीज में बिकवाली का प्रेशर इसलिए हो गया अभिषेक क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। हम देख रहे हैं कि जो रिटर्न्स मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स जनरेट कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी मॉडरेट रिटर्न्स है। ऐसे कोई तगड़े रिटर्न्स कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जनरेट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली उनके इक्विटी पोर्टफोलियो पे। और सभी को पता है कि मार्केट वोलेटाइल होने के कारण जो रिटर्न्स होते हैं वो कई जगह पे तो नेगेटिव भी है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत कम लोगों के यू नो के टीम साइज से ये पूरे AMC कंपनियां यू नो चलाती हैं। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर हम देखें तो 25-30% नॉर्मली होता है। तो ये फैक्टर इन्वेस्टर्स को भूलना नहीं चाहिए कि जब भी मार्केट में एक अच्छा उछाल आएगा, सस्टेन्ड ग्रोथ आएगी, तभी आप देखोगे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्टॉक्स भी चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, नया कॉम्पिटिशन आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी मैंने सुना है कि Zerodha भी अपना यू नो म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाली है। तो कंपटीशन अगर बढ़ेगा और थोड़ी सी अंडरकटिंग मार्जिन्स में होगी तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग AMCs को यू नो चैलेंजेस और शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगले 6-12 मंथ्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में जिस प्रकार का SIP का फ्लोज हो रहा है उसके साथ हमको यही लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। ओके, तो मीडियम टर्म में फायदा मिल सकता है आपको, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहेगा, बट बने रहिए इस स्टॉक में, आपको आपके लेवल्स जल्द ही दिखाई देंगे निपॉन लाइफ में। अब अगला सवाल ले लेते हैं पंजाब से। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं विनोद। विनोद जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है रिलायंस इंफ्रा पर, जो मैंने 10,000 शेयर लिए थे 400 रुपए से लेकर 10 रुपए तक एवरेज 70 की रुपी। ओके, तो ये 70 आपका एवरेज प्राइस है। चलिए इनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन लकी है ये रिलायंस इंफ्रा जैसे स्टॉक में इनको फायदा हो रहा है। वैसे हमने देखा था रिलायंस इंफ्रा इस साल चला भी काफी और लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं मैनेजमेंट से कि कर्ज को कम करने की कोशिश कंपनी लगातार कर रही है और उसका रिएक्शन भी दिखा है स्टॉक में। और पिछले एक साल में अगर इसी साल की बात करें तो अच्छी तेज़ी भी नज़र आए, उसका फ़ायदा इनको मिला, तो काफ़ी शानदार गेन पर अभी तो फिलहाल बैठे हैं ये। रत्नेश जी आप सजेस्ट करिए रिलायंस इंफ्रा में क्या और तेज़ी के लिए रुकना चाहिए, बिकॉज फिलहाल तो अच्छा गेन हो रहा है इनको इस स्टॉक में, बट अभी चार्ट्स पर क्या और मजबूती दिखाई दे रही है आपको या फिर मुनाफा बुक करने की राय देंगे? का चार्ट देखना, आप बड़े लेवल का चार्ट देखे, डेली वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट देखे, मंथली में, इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बने हुए थे।
हालांकि एक जो पूरी इतनी मंदी के बाद में जो टेक्निकल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बाउंस आता वो हमको देखने को मिला था। अभी भी चार्ट में किसी भी तरह के मजबूती के संकेत नहीं है, इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो मेरी तो ये सलाह रहेगी इनको कि अपना मुनाफा बांध दो और वो मुनाफा का थोड़ा सा पैसा किसी दूसरे स्टॉक्स में स्विच करे जो ज्यादा अच्छा टेक्निकल फंडामेंटल दोनों अच्छे उनमें स्टॉक्स में लगाए और यहाँ पे मुनाफा बांध दे। अफा वसूलने की सलाह है आपके लिए। सूरज का सवाल लेंगे ये पटना से और इनका सवाल आया है इंस्टाग्राम से और शेयर इनके पास है अडानी पावर। अडानी ग्रुप के शेयरों पर बहुत सारे सवाल आते हैं और जब से अडानी ग्रुप को लेकर संकट गहराया उसके बाद से तो सवालों की झड़ी सी लग गई है। अडानी पावर भाव देखिए यकीन नहीं होता, अचानक से अगर भाव सामने आता है तो इनके पास हालांकि 86 रुपये के हैं और 187 रुपये के आसपास के भाव हैं। 86 रुपये की खरीद है, थोड़ी सी पुरानी खरीद लगती है अविनाश जी। हालांकि हमने अडानी पावर में 400 रुपये के भाव देखे लेकिन वो सब पुरानी कहानी हो गई, अब एक नई कहानी गढ़नी होगी ग्रुप को। आप ये बताइए कि बने रहें, थोड़ा इंतज़ार करें, समय दें या फिर इससे निकल जाएं और रिटर्न के लिहाज से कोई बेटर प्रॉस्पेक्ट्स बाजार में आप सुझाएंगे इनको? मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन का थीम मार्केट में अभी भी काफी स्ट्रांग है और अडानी पावर की बात करें तो देखिए इनका कॉस्ट प्राइस तो 86 रुपीज है, ये तो अभी भी काफी सिग्निफिकेंट मुनाफा यहाँ पे बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये नजरिया कम से कम 12-15 महीने का देते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक यू नो री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, जिस प्रकार से पावर आउटपुट जनरेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी वैल्यू बन सकती है। मैं यही कहूँगा कि इनके पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है तो यू नो कम से कम अपनी ओरिजिनल कॉस्ट वो निकाल ले और बाकी के शेयर्स फ्री करें ताकि इनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छी तरह से यू नो पोजिशन होगी। लेकिन स्टॉक में मेरे ख्याल से 12 से 15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ओके, तो होल्ड करिए। पावर स्टॉक्स के लिए आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसमें अदानी पावर भी बेहतर दिखाई दे रहा है, तो आपको होल्ड करना है लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करिए स्टॉक को। अगला सवाल ले लेंगे और उदयपुर से मुकेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम मेरे पास में नियोजन केमिकल के हैं मैम, 1600 रुपये पे 10 शेयर है मैम, और मैम एक और है टाटा कम्युनिकेशन के 1400। कब लिया था आपने? मैम अभी लिया था, रैली आई थी इस टाइम पे। अच्छा, हाँ। और टाटा कम्युनिकेशन का क्या लेवल बताया आपने, ये कब लिया था? 1400 रुपये पे लिया था मैम, थोड़े ज्यादा टाइम हो गया इसको पे, तो 10 शेयर है मैम उसके भी। ओके ठीक है, दोनों शेयरों पर राय दिलवा देते हैं। पहले तो नियोजन केमिकल्स, यहाँ ये तो अभी हाल की ही खरीद है इनकी और स्टॉक में हमने देखा कि अच्छा रनअप भी दिखा, अभी थोड़ा बिकवाली हावी है स्टॉक पर। रत्नी जी क्या सजेस्ट करेंगे नियोजन केमिकल्स में, कुछ स्टॉप लॉस भी सुझाएंगे आप इनको? फॉर्मेशन देखने को मिला हमको, राउंडिंग क्लासिकल राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, अपने 200 की एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, डेली वीकली दोनों चार्ट में काफी अच्छा वॉल्यूम हमको अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला था। मेरे हिसाब से इसमें बने रह सकते, स्टॉप लॉस ही लगाना चाहिए इनको 1530 रुपये का, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा वोलेटाइल चलता है, जब भी ये चलता है तो 1530 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि इनको 1750-1770 ये लेवल यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, वहां पे अपना मुनाफा बांध ले तो स्टॉप लॉस लगा के भी होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया है, कंपनी में टारगेट भी सुझा दिया गया है, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो इन लेवल्स को आप वॉच करिए। टाटा कम्युनिकेशन भी इन्होंने लिया हुआ है और नतीजे भी आया, नतीजे कमजोर थे, अनुमान से कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी इतना टूट चुका था, इस वजह से अभी हम देख रहे हैं कि नतीजे आए उसके बाद अभी निचले स्तरों से एक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक और दिन के ऊपरी स्तर पर अब आ चुका है। टाटा कम्युनिकेशन पर क्या व्यू बन रहा है आपका अविनाश जी, और इनकी जो होल्डिंग है वो भी काफी पहले की है, 1400 के आसपास इन्होंने लिया हुआ था, अभी क्या करें स्टॉक में? लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे और मुझे लग रहा है कि जो भी परफॉर्मेंस अभी आएगा वो मेरे ख्याल से FY24 में उम्मीद है कि ओवरऑल जो उनके बिजनेस वर्टिकल्स है वहाँ पे ग्रोथ आने की संभावना है।
ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है तो मैं इनको लॉस में बुक करने की राय नहीं दूंगा। कम से कम साल डेढ़ साल का नजरिया अगर ये रखते हैं तो डेफिनेटली टाटा कम्युनिकेशंस में पोटेंशियल है, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे बिजनेस वर्टिकल्स है बोथ ओवरसीज मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, जिससे हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छी रेटिंग यू नो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आ सकती है। तो अभी तो फिलहाल होल्ड करिए और मेरे ख्याल से FY24 शुड बी अ लॉट बेटर देन लास्ट ईयर। ठीक है, तो टाटा कम्युनिकेशन में होल्ड करने की राय और अगले वित्त वर्ष में FY24 में आपको ये कंपनी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। उससे रिकवरी की कोशिश कर रहा है और अच्छी बात यह है कि निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान में आ गए हैं। निफ्टी बैंक ऑलरेडी हरे निशान के साथ ट्रेड कर ही रहा था, ब्रॉडर मार्केट संकेत अच्छे हैं। और अगर हम इंडेक्स के स्टॉक्स को छोड़ दें, अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या भयंकर एक्शन है। अविनाश जी, दो सेगमेंट ऐसे हैं जिस पर आपके मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा। एक तो फुटवेयर वाले जो स्टॉक्स हैं बहुत तेज़ी वहाँ पर हम देख रहे हैं, और होटल वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी हम अच्छा जश्न का माहौल देख रहे हैं। फुटवेयर की बात पहले करेंगे, मिर्जा इंटरनेशनल 5 दिन में देख रहे हैं कि जब से उनका रेड टेप वाला कारोबार अलग हुआ उसके बाद शेयर जब अलग से ट्रेड कर रहा है, 5 दिन में तकरीबन 60% के आसपास का उछाल आ चुका है। इसके अलावा खादिम इंडिया, वहां पर भी तेजी है 5% के आसपास की। आप ये देख लीजिए बाटा डे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है 2% के आसपास की। क्या आपको लगता है कि फुटवेयर एक नई दौड़ दिखाने के लिए तैयार है ओवरऑल स्पेस अगर हम बात करें तो, इसमें से आपको कौन सा शेयर पसंद है? देखिए मुझे लग रहा है कि होटल फुटवेयर स्टॉक्स में पिछले एक दो क्वार्टर्स काफ़ी चैलेंजिंग थे और लग तो रहा है कि वापस डिमांड वापस आ गई है, फुटफॉल्स यू नो बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाटा इंडिया काफ़ी वेल पोजिशनड है। बाटा इंडिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी है और काफ़ी यू नो ओवर द ईयर्स उन्होंने अपना प्रोडक्ट मिक्स और लुक एंड फील भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रांग है, बिल्कुल यू नो कर्जा मुक्त कंपनी है और जिस प्रकार का इनका रिटेल नेटवर्क है अभिषेक, मुझे लग रहा है कि बाटा में अगर कोई खरीदता है और अगले 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेकर निवेश करता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। फुटवेयर ऑलवेज एक वेल एक्सेप्टेड फेवरेबल सेक्टर है क्योंकि ये B2C सेगमेंट वाला बिजनेस है जहाँ पे मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं, तो बाटा मेरे तक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है, मार्केट लीडर है और सबसे बड़ी बात ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट होने के कारण इनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा कोई भी इंडस्ट्री अपट्रेंड आती है तो। अविनाश जी, साल भर में 2000 बाटा के लिए, देखिए मुझे लग रहा है कि मैं टारगेट प्राइस तो नहीं दूंगा बट मेरे ख्याल से बाटा में यहां से भी एक 18-20% की अपसाइड पॉसिबल है। लार्ज कैप स्टॉक है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लार्ज कैप स्टॉक्स में 18-20% भी साल में कमाना बड़ी बात होती है, तो आई वुड से दैट बाटा में डेफिनेटली जो निवेशक ऑलरेडी है वो तो होल्ड करे, बट इवन जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है कोई भी अगर मार्केट में कोई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, लेने का ही सोचना चाहिए। लेकिन अविनाश जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चूंकि बड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये व्यू आ रहा है कि होटल और हॉस्पिटैलिटी में मौके खोजने चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रौनक है। आप सारे के सारे होटल स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, कामत होटल्स, ताज, GVK, ओरिएंटल, महिंद्रा हॉलीडेज, या फिर इनफैक्ट होटल लीला जो कि अब 10 रुपये के आसपास का स्टॉक है, बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पर आ रही है। मैं आपसे अगर दो स्टॉक पूछूँ पोर्टफोलियो के लिहाज से, मान लीजिए अगर मुझे 2 साल होल्ड करने हो तो आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए होटल स्टॉक्स में तेजी का कारण पहले मैं बता दूं क्यों हो रहा है। पहली बात तो G20 का जो समिट यू नो मैं इंडिया को नियुक्त किया है वो नवंबर 2023 तक चलेगा और काफ़ी जगह पे इसका प्रचार हो रहा है, तो ये डेफिनेटली सारे डोमेस्टिक होटल्स के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनका बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद अक्टूबर 23 में वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है और इससे भी काफ़ी इनबाउंड टूरिज्म बढ़ेगा। अभी रही बात कौन से स्टॉक्स हमको पसंद है, हमको एक बड़ा स्टॉक पसंद है जो इंडस्ट्री लीडर है और जो इंडियन होटल्स है। देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्रीमियम एज वेल एज मिडिल सेगमेंट में काम करते हैं और इनके पास सबसे लार्ज इन्वेंट्री है रूम्स की, तो ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है और ओवरऑल जो यू नो कंट्री का यू नो ग्रोथ यू नो मैप दिख रहा है इससे यही लग रहा है कि ARR जो एवरेज रूम रेंटल्स है वो तो बढ़ेंगे ही बट सप्लाई ऑफ रूम्स इतनी जल्दी बढ़ेगी नहीं, तो इसका फायदा इंडियन होटल्स को जरूर मिलेगा। और दूसरी एक छोटी कंपनी है जो शायद यू नो ज़्यादा चर्चा में नहीं होती, इसका नाम है रॉयल ऑर्चर्ड होटल्स। ये भी स्टॉक आज काफ़ी
अच्छी तरह से उछाला है, करीबन 305 303 पे चल रहा है। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, अगर किसी को नजरिया 12 से 15 महीने का रखना है तो ये भी करीबन 370 375 तक जा सकता है। तो ये एक वेल नीच प्लेयर है, एसेट लाइट मॉडल चलाता है, करीबन 4000 इनके इन्वेंट्री रूम्स है, प्लस 1000-1500 रूम्स ऐड करने की ये प्लान कर रहा है अगले साल डेढ़ साल में। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिनको मिड कैप होटल शेयर्स में निवेश करना है। विकल्प आपको अविनाश जी ने बता दिए हैं, रॉयल आर्किड उनके फोकस में है। आज हम देख रहे हैं कि 8-9% का उछाल इस होटल स्टॉक में भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन रौनक आज है दिल्ली में, और दिल्ली में है एप्पल के सीईओ टिम कुक। उन्होंने आज दिल्ली के साकेत में सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एप्पल के दूसरे स्टोर का उद्घाटन किया, और आज भी वहाँ फैंस का ज़बरदस्त जमावड़ा हमें देखने को मिला। जो माहौल मुंबई के बीकेसी में था, सेम वही चीज़, वही उत्साह एप्पल के जो दीवाने हैं वहाँ पर भी दिखे, उनके साथ मिलते दिखे, सेल्फीज लेते दिखे दीवाने एप्पल के। और दिल्ली का स्टोर थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, लेकिन कुछ खासियत है, इसमें करीब करीब 70 एम्प्लॉयज़ होंगे इस स्टोर में, और जो 70 एम्प्लॉयज़ हैं आपसे करीब करीब 15 भाषाओं में वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो अगर ग्राहक जाते हैं अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स के नेम प्रोडक्ट्स सारे मिलेंगे, जो भी खासियत मुंबई के स्टोर में है जो प्रोडक्ट्स को लेकर, सारे के सारे दिल्ली में भी मिलेंगे। कल तस्वीरें भी आई थी टिम कुक की, पीएम मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, और ये जो साल है एप्पल के भारत में कारोबार के 25 साल हो गए हैं, और इस मौके पर भारत में फ्लैगशिप स्टोर खोलने का एप्पल ने फैसला किया। और ये तस्वीरें देखिए, खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, नई दिल्ली के साकेत में दूसरा स्टोर खोला गया है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे, मुझे और पूजा को दीजिए इजाज़त।